जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत देसी टेक अड्डा में। मेरा नाम है सालोसन। भाइयों, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग टिकटॉक चलाते हैं या फिर टिकटॉक शुरू करने वाले हैं या फिर टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी लाइक नहीं बढ़ रही, उनकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है, ठीक है भाइयों? तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। बिना स्किप किए अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए लाल करके सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए भाइयों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बड़ा सा लाइक आप लोग कर दीजिए, ठीक है? हम लोग को ये मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो भाइयों, आपने कभी सोचा है कि आपके टिकटॉक वीडियो पर या फिर टिकटॉक प्रोफाइल पर फ़ैन क्यों नहीं बढ़ते, लाइक क्यों नहीं आती, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़ैन और लाइक में व्यूज़ की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस होती है। अगर आपके वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो आपकी प्रोफाइल पर लाइक और फ़ैन कैसे आएंगे, ठीक है भाइयों? तो व्यूज़ लाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है टिकटॉक पे। अब व्यूज़ कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे कि अभी सागर गोस्वामी की हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हुई थी, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। उसमें काफ़ी शानदार उन्होंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे 10 से 12 मिलियन व्यूज़ था, ठीक है? 10 से 12 मिलियन व्यूज़ था और लाइक उस पर 2 से 3 मिलियन लाइक गई थी। तो भाइयों, आप लोग समझ सकते हैं व्यूज़ की कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारे टिकटॉक वीडियो के ऊपर। अगर आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो आपकी लाइक और फ़ैन फॉलोइंग कैसे बढ़ेगी? तो इसके लिए हमको चलना होगा अपने टिकटॉक के एप्लीकेशन के ऊपर। कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। सॉरी भाइयों, ये वॉल्यूम थोड़ा ओपन था, इसके लिए आवाज़ आ गई थी। तो भाइयों, इस तरीके कुछ इंटरफेस खुल के आएगा अगर आप टिकटॉक से लॉगिन करेंगे अपने फेसबुक आईडी से या फिर आपके ईमेल आईडी से, ठीक है? अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता, अगर आप टिकटॉक पर बहुत ही नए हैं, आप टिकटॉक के बारे में कुछ नहीं जानते, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो टिकटॉक के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। टिकटॉक कैसे चलता है, कैसे उसको लॉगिन करना है, कैसे साइनअप करना है, तो आपको बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर आप मेरे द्वारा समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले आपको भाइयों इसमें चलना है सर्च के ऑप्शन पर, ठीक है? नीचे दिए गए डिस्कवर के ऑप्शन दिया है, उसे सर्च के ऑप्शन पर रख चलना है। तो भाइयों, आप जैसे वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने से पहले आपको ये काम करना है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाइयों, आ गए हम लोग सर्च के ऑप्शन पर। सर्च के ऑप्शन पर आने के बाद भाइयों कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है। तो भाइयों, आपने ये देख रहे होंगे आप ट्रेंडिंग हैशटैग, ठीक है? ये ट्रेंडिंग हैशटैग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप टिकटॉक वीडियो बनाते हैं तो। मुझे नहीं मालूम बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, लेकिन आप मेरी टिकटॉक प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरी वीडियो ऐसे ही वायरल हुई थी, ठीक है भाइयों? और उस पर 42,000 व्यू आया था इसी ट्रेंडिंग हैशटैग लगाने से। मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ, कहीं कोई झूठी बात नहीं है। तो भाइयों देखिए, आपने ये ट्रेंडिंग हैशटैग के ये सामने राइट हैंड देखिए आगे कितना इस पर व्यूज़ आते हैं, 238.0 मिलियन, ठीक है? 238.0 मिलियन देखिए इस पर है, ठीक है? ये सब ट्रेंडिंग हैशटैग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक कॉपी में हैशटैग करके, जैसे कि बेबी लव, देसी फूड, स्पोर्ट लवर है, सेफ हम सेफ इंटरनेट है, पेट लवर है, रोल आइज है, माई आउटफिट है, कुछ कुछ है, कूल डांस है, स्माइल स्कोर है, ली फोटोल है, पिकाचू है। तो भाइयों, ऐसे ही कुछ ट्रेंडिंग हैशटैग आपको एक कॉपी में लिख लेना है, ठीक है? लिखने के बाद में आपको तब वीडियो बनानी है, ठीक है? आप जो इसके ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर भी कुछ वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हैशटैग यही यूज़ करना होगा। जैसे कि ये बेबी लव के आप बना रहे हैं तो बेबी लव यूज़ कीजिए, देसी फूड बना देसी फूड यूज़ कीजिए। हैशटैग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है टिकटॉक वीडियो के ऊपर। तो भाई चलिए भाइयों, आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है? आपको एक वीडियो बना लेनी है। वीडियो बनाने के लिए आपको ये प्लस के निशान पर जाना है। प्लस के निशान पर जाने के बाद आपको ये थोड़ा देर तक प्रेस करके रहना है। आप साउंड, अब भाइयों ऐसे आपको अपनी वीडियो शूट कर लेनी है, ठीक है? मैं शूट करके दिखाता हूँ, ठीक है? शूट करके, ठीक है? आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ से काम चल रहा है, निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब, रिलैक्स यार, रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्ट। ये भाइयों आपकी वीडियो शूट हो चुकी है, अब इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है? अब भाइयों जो आपका खेल है, असली खेल यहीं शुरू होता है, ठीक है? आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा अगर आप अपनी वीडियो बना चुके हैं, टिक पे निशान लगा दिए तो। अब यहाँ पे ऊपर दे रहा है टाइटल विथ
हैशटैग एंड फ्रेंड्स। ठीक है भाइयों, आपको हैशटैग वही लगाने हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे। कौन कौन से हैं? हैशटैग पेट लव, हैशटैग बेबी लव, हैशटैग पिकाचू, हैशटैग रोल आइज, हैशटैग रोल डांस। ठीक है भाइयों, ऐसे कुछ 3 से 4 या 5 आपको हैशटैग लगा देने हैं। हैशटैग लगाने के बाद में आपको जिनके ज़्यादा व्यूज आते हैं मिलियनों में, उनको अपनी वीडियो में पोस्ट के कैप्शन में लिख लेना। जैसे कि फ्रेंड्स पे जाके आपको, जैसे कि मिस्टर फैजू हैं, अदनान शेख हैं, जो बहुत ही पॉपुलर क्रिएटर हैं टिकटॉक के, उनको भी अपनी वीडियो में मेंशन करना। जैसे मिस्टर फैजू मैंने यहाँ पे लिख लिया, आप भी कुछ ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपके व्यूज़ आने में, आपके लाइक बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी भाइयों। ये सब कुछ करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ से अपनी वीडियो को पोस्ट कर देना है। पोस्ट करने के बाद में आप देखेंगे 2 से 3 घंटे में आपके प्रोफाइल पे, आपकी वीडियो पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। व्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे, और जब व्यूज़ आएंगे तो लाइक भी बढ़ेगी। और ऐसे ही आपको वीडियो, हर वीडियो बनाना है और रेगुलर वीडियो बना बना के टिकटॉक पे अपलोड करना है भाइयों। बस ऐसी ही कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहता था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, और आप बहुत ही बढ़िया टिकटॉक यूज़र बन जाएंगे अगर इस ट्रिक को फॉलो करके चलेंगे तो। मैं बोलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।